आज मेरा एक दोस्त है जो कि हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, तो आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो मिल के आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा दोस्त कौन है, और फिर आप लोग से बहुत सारे बातें करूंगा। फिलहाल मैं घर पे आया हूँ तवांग में, और मैं अपने बहन के साथ यहाँ पे उनका थोड़ा हाथ बटा रहा हूँ। तो यहाँ एक नया खेती खोदने जा रहा है। सुबह सुबह माँ ने हम दोनों को काम दिया है, तो इसको करके फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट में जाऊंगा वहाँ पे अपने दोस्त के पास। दोस्त जो मैं आपको जिक्र कर रहा था, जिनसे मैं आज मिलने जा रहा हूँ, तो वो हम सब के लिए एक मिसाल है। सच कहूँ तो वो एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है। वो अपने आप पर एक मोटिवेशन है, और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे। उनके सामने फिर मैं कुछ नहीं हूँ। उन्होंने भी अपना हाथ खोया है। उन्होंने भी बचपन में एक 11,000 वोल्टेज में करंट उनको भी लगा है। हम दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन गाँव अलग अलग से है। लेकिन हम दोनों बचपन एक साथ गुजरा है। एक स्कूल है, एक संस्था है, एक ऑर्फनेज कम डिजेबल स्कूल है मंजूश्री विद्यापीठ, वहाँ पे हम दोनों ने पढ़ाई शुरू की। तो उम्र से वो मुझसे एक साल बड़ा है, लेकिन क्लास में मैं उनसे 2-3 साल शायद सीनियर था। तो आज वो एक छोटा मोटा तो नहीं कहूँगा, वो अपने हिसाब से एक जॉब उनको मिला है, तो उस पर अपना ज़िंदगी खुश है। और मैं उनसे आज मिल के फिर आप लोग से मैं बातें करूँगा। हालांकि वो बातें इतना नहीं करता, वो थोड़ा शाही टाइप है, और फिर भी मैं उनसे मैं आपको रूबरू करवाऊँगा, और हो सके तो मैं बातें करूँगा उनसे, और उनसे भी बात करवाऊँगा मैं। और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं आज के जो यंग जनरेशन के लिए, और ख़ास करके क्योंकि हम लाइफ बहुत ही आसान से गिव अप कर लेते हैं। लेकिन जो मेरा दोस्त है, उनका नाम मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। उनका नाम तिनजिन है। तो मैं उनसे मिलूँगा, और आप लोग से भी मिलवाऊँगा, और हम वहाँ पे चाय बना के पियेंगे, फिर खाना बना के भी खाएंगे, और हम खेलेंगे वहाँ पे। और पता नहीं वो, मैं जिस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ तो उतना हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि वो बातें इतना नहीं कर पाता। मैंने आपको कहा है, फिर भी मैं आप लोग से ज़रूर मुलाकात करवाऊंगा। मैं अभी आपसे शायद 1.5 घंटे में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, फिर उनसे बातें करेंगे। चलिए, और देखते रहिए आप लोग भी, और हम दोनों का जो कहानी है वो भी ज़रूर सुनिएगा आप लोग। और हो सके तो प्लीज़ जो ये वीडियो मैं आप लोगों को अभी बना के अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हो सके तो हम सब मिलके उनसे कुछ सीख लेते हैं। चलिए मेरे साथ। अब मैं अपने दोस्त के घर पे पहुंचा हूँ, यहाँ पे पहुंच गया है। ये एक रेंटेड हाउस में बैठ रहा है। यहाँ से उनका जो नौकरी का जो ऑफिस है वो थोड़ा सामने है, तो उनके पास आया हूँ मैं। आप लोगों को मैं उनसे मिलाऊँगा। आइए। मेरा दोस्त यहाँ पे अभी, आज उनका छुट्टी है तो पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये है मेरा दोस्त, आप लगा सकते हैं। ये है मेरा दोस्त तेंजिन, आप लोग देख सकते हैं। मैंने सुबह भी इनको मिलने आने से पहले मैंने जिक्र किया है, तो इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
ये भी एक हम सब के लिए एक मिसाल है, तो इनसे हम बहुत कुछ इंस्पिरेशन, एक खुद ही अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। तो हम दोनों का ही हाथ, मेरा तो कहानी बहुत पर बता चुका है, लेकिन आज मेरे जो दोस्त है इनका भी देखिए, तो इनका भी दोनों हाथ, पहले तो हम दोनों खुशकिस्मत थे, माँ बाप ने तो अच्छा से ही पैदा इस दुनिया में अच्छा से आया, लेकिन शायद हम जो बुद्धिस्ट का जो हमारा जो धर्म में हम कर्मा को बहुत मानते हैं, तो शायद पिछले कर्म का शायद इस पर हम भुगतना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कोई गम नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है, कुछ भी है, तो ये भी इनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, किसी का हेल्पर की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ अपने आप मैनेज कर लेते हैं। अब तरह बाद में मुझे चाय भी पिलाएंगे, जो कैमरा मैन आप बैठा हुआ है आपको भी चाय पिलाएंगे हम दोनों मिलके फिर यहाँ पे। और मैं इनसे ये थोड़ा बात कम करता है, बहुत ही थोड़ा शाही टाइप है, लेकिन फिर भी इनसे मैं आप लोग के लिए कुछ मैसेज देना चाहूँगा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन आज बहुत ही समय के बाद मैं इनसे मिल रहा हूँ, हम दोनों, मैंने सुबह भी कहा है कि एक हमारा यहाँ स्कूल एक है, संस्था एक है मंजूश्री विद्यापीठ, जो कि एक ऑर्फन कम डिजेबल स्कूल है, तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्कूल है, जो कि हमारा एक तवांग का बहुत ही एक रिनाउंड एक बुद्धिस्ट मॉन्क लामा वो चलाते हैं, उनका नाम भी मैं बाद में आप लोगों को जिक्र करूँगा। और हो सके तो हम दोनों साथ में हमारा जो स्कूल है उस पर भी विजिट करेंगे कल को जाके। फिलहाल आज इनका छुट्टी है, तो ये लोग तो गवर्नमेंट नौकरी हो गया इनका, आपने वो ये भी अपने पैरों से लिख के एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम देने के बाद जो अपना हैंडीकैप का जो कोटा आता है तो उसमें इनको नौकरी मिला है, तो अभी ये अपना ज़िंदगी यहाँ पे जी रहे हैं। तो एक्चुअली इनका घर यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन इनका जो ऑफिस है यहाँ पे थोड़ा यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे रेंटेड हाउस में बैठा हुआ है। और जितना भी जो यहाँ पे आज यहाँ पे देखिए वो छुट्टी है, तो ऐसे नहीं बैठता, तो यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। और मैंने सुबह ही फ़ोन किया इनको कि इनका जो आज एबिलिटी जो है कि नहीं, तो इन्होंने बोला कि 12 बजे के बाद आओ, तो मैं यहाँ आया। तो यही है, बातें ज़्यादा नहीं करूँगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं दुनिया से मैं यही कहना चाहूँगा हम दोनों की तरफ से कि आप लोग कभी ज़िंदगी में हार मत मानिए, क्योंकि ज़िंदगी एक वन टाइम ऑफर, हम एक बार जीते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि बस हम इंसान के जन्म जन्म में आया है, इंसान के रूप में आया है, तो वो एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य वाली बात है। ये तो बस इसके बाद यहाँ पे जो अपने कर्मों का जो फल है वो बस हम सभी को उसको भुगतना पड़ता है। खैर इन्होंने भी अपना ग्रेजुएशन किया है, कॉलेज जितना भी जो किया है, कभी कभी इन्होंने राइटर नहीं लिया है, जब भी एग्ज़ाम देना हो आप सबके लिए जो 3 घंटा का जो एग्ज़ाम होता है, तो उसी 3 घंटा में ये अपना जो पैरों से लिख के, बाद में दिखाएंगे आपको, इनको भी पेंटिंग का शौक था, लेकिन अभी आजकल पेंटिंग करते कि नहीं करते पता नहीं, लेकिन जो अपना सिग्नेचर है और तो और जो कुछ भी ऑफिस का काम होता है, पेपर वर्क से सब कुछ ये अपने पैरों से कर लेते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे इनके साथ एक छोटी सी एक बहन भी रहती है, तो इनको वो खाना बना के खिलाती है, इसके बाद में फिर उनको स्कूल में रेडी करके भेजते हैं, इसके बाद ये अपने अपना खुद स्कूल में ऑफिस में रेडी करके जाते हैं। तो शायद बातें बहुत ज़्यादा कर रहा है लगता है, लेकिन मैं फिर से आपको मैं ज़रूर मैं आपको इनसे कुछ कुछ बात कहलवाऊँगा। आप शायद मैंने मेरा पिछले वाला यूट्यूब में भी एक बार मैंने जो हमारा 17-18 साल पहले का एक इंटरव्यू हमने वहाँ पे डाला है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें भी मैं हूँ, तेंजिन हूँ, और एक लड़का है, एक भाई है, जो कि अभी वो कॉलेज में है, तो उनका नाम लवसंग सुंगी है। हम लोग तीनों का जो बहुत ही लाइफ का पहली फर्स्ट टाइम जो कैमरा फेस किया हुआ एक इंटरव्यू हमने डाला हुआ है, जो कि काफ़ी उसका जो रेजोल्यूशन है वो भी कमज़ोर है, फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को डाल दूँ। तो उसके बाद अभी देखिए 18 साल के बाद फिर हम अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अभी बहुत ही एक अच्छा लग रहा है कि सभी अपना अपना लाइफ जी रहे हैं, और कभी भी इन्होंने अपना जो कमज़ोरी है उसको उन्होंने कभी फ़ायदा नहीं उठाया है, जब भी कुछ भी अगर तकलीफ़ हुआ है तो ये अपने आप ही मैनेज किया है। बहुत मेरा दोस्त मिलने आया, मैं बहुत खुश हूँ। पिछले 1 साल जैसे से नहीं मिला, इसके बाद आज मिला। बीच बीच में ये टाउन में आते, उसमें हम मिलते उसको। और अभी दोस्त को एक तो चाय बना के पिलाएगा। मैं भी एक तो थैंक यू हैंडीकेप लड़का है, दोस्त की तरह है। जिंदगी में आप लोग हार नहीं मानना है। कुछ दिल में ऐसे कुछ भी ख्याल आने से हम लोग को देख के कुछ आप लोग भी सीखना है। बाकी बस आप हमको चाय पिलाएंगे, चाय के बाद खाना भी बना के पिलाएंगे, खिलाएंगे ना?
खाना भी आप खाना चाहते हो जरूर खिलाएंगे ओह थैंक यू। आपको। वैसे हम जानबूझ के आज सुबह ब्रेकफास्ट करने का अभी तक मैंने लंच किया नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए एक बढ़िया से आपका हाथों का जो मैगी है वो मैगी मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, मैं मैगी जरूर बना के थैंक खिलाऊंगा यू आपको। थैंक यू थैंक यू सो मच। या या एक दो साल बाद आया है तो अभी यहाँ पे कुछ लिखा के एक दुनिया को एक संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले ये अपना नाम लिख के हमें दिखाएंगे। तो मेरा दोस्त यहाँ पे देखिए, दोस्तों हम अक्सर हार जाते हैं, ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं और ज़िंदगी में ज़िंदगी से गिव अप करने के लिए सोचते हैं। यदि कभी ऐसा सोचता है तो आप लोग कभी, जो मेरा दोस्त है यहाँ पे जनजिन, जो कि देखिए इनका जो दोनों हाथ है वो भी इनका पूरा शोल्डर से ही कटा हुआ है, तो फिर भी ये अपना ज़िंदगी से कभी मायूस नहीं होता है। जब भी उनके चेहरे में, जब भी दिखता है, जब भी कभी भी किसी से मिलता है तो इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होगा, मुस्कान होगा। तो ज़िंदगी चेयर ऑफ माइंड बोलते हैं, माइंड चेयर ऑफ माइंड वो कभी खोना नहीं है। देखिए यहाँ पे कितना कॉन्फिडेंट के साथ मैं बात ही करते करते, देखिए यहाँ पे इतना यहाँ पे जल्दी लिख लिया है इन्होंने। लिखा है माई नेम इज़ तेंजिन, आई एम फ्रॉम जंग विलेज तवांग, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये अपना एक सिग्नेचर भी करेंगे और देख सकते हैं। तो जिनके तो सब कुछ सही सलामत होता है, दोनों हाथ पैर सब सही सलामत है, कभी कभी ज़िंदगी में हम बहुत कुछ खो जाते हैं, जैसे कि आप अपना जॉब खो जाते हैं और तो और कभी बिजनेस में आप सक्सेस नहीं होते हैं, लॉस में जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गिव अप कर लेते हैं। तो ये सब अगर सोचने से पहले आपका जो घर पे जो परिवार लोग हैं, माँ बाप है, उन उनके लिए एक बार आप लोग ज़रूर सोचिएगा। और यहाँ पे देखिए अपना सिग्नेचर भी यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा दिया है यहाँ पे। तो इतना इनका जो पैर है, इस पैर से वो इतना स्पीड लिख सकता है, तो आप लोग तो आप सोच के देखिए, ये हार जीत जो ज़िंदगी में होता है, एग्ज़ाम हुआ, ये जो प्यार इश्क और मोहब्बत में जो फेल हो जाना, माँ बाप के फटकार से लोग गुस्सा हो जाना, ये सब से तो फिर हमारा जो हालत है इनसे तो कई गुना अच्छा है। तो बस आप लोग से यही गुजारिश है कि ज़िंदगी में कभी गिव अप नहीं करना है, आप लोग हार नहीं मानना चाहिए, बस यही कहना चाहूँगा। हाँ मानता हूँ कि कहना बहुत ही आसान है लेकिन निभाना मुश्किल होता है, लेकिन अब यहाँ आज मैं इसीलिए मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ कि मैं कम से कम दुनिया को एक संदेश दे सकूँ। यदि 100 में से अगर एक को भी अगर ये सब वीडियो देख के समझ में आता है तो मैं अपने आप को समझूंगा कि जो मेरा ये वीडियो है ये बहुत ही वैल्यूबल है। चाय पीना पसंद करेंगे? दूध चाहिए या लाल चाय? दूध चाय पीगा, दूध चाय पीगा, दूध चाय। कैमरामैन भी दूध चाय पीगा ना? दूध चाय एक बना देना। ठीक है, दूध चाय ना। और चलो हम दोनों मिलके बनाएगा, ऐसी बात नहीं है। चलो भाई, क्यों आपको ही तंग करेगा? अच्छा यहाँ पे मेरा दूध होगा अभी, तो ये है ना, इसको अब पकड़वाना। चाय ये हो जाएगा? ये हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे कितना सिस्टमेटिक से रखा हुआ है, ये भी मेरा जो अपना दोस्त है ये खुद करते हैं, ये सब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले ये अपना ये सुन करते ना, ये सुन करेगा
जरूर जरूर थानु हेलो हेलो तू चेक रख से पीगा हम बता दूँ मुझे और एक दूध पीगा ना और एक दूध मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अगर इनको देखे तो मेरा जो हाथ है ये तो कुछ नहीं है क्योंकि इनका जो है दोनों हाथ अनफॉर्चुनेटली शोल्डर से काटना पड़ा है। इनका भी हाथ मैंने कहा है कि इलेक्ट्रिक जो 11,000 वोल्टेज में करंट झटका खाया है तो ऐसे करके फिर भी ये अगर मेरा तो कम से कम उंगली नहीं है इसका तो पैरों के उंगली से सब कुछ कर लेते हैं तो बहुत ही वो है अच्छा लगता है इनके साथ में काम करके।